ब्यास बेसिन में बंद 50 स्टोन क्रशर अब फिर से शुरू होने वाले हैं। मुख्य सचिव ने जारी कर दिए आदेश। मल्टी सेक्टर कमेटी की रिपोर्ट के बाद यह निर्णय लिया गया। 50 स्टोन क्रशर संचालकों के पास सभी जरूरी परमिशंस थी। अस्थायी तौर पर सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ये संचालित होंगे। दरअसल ब्यास बेसिन में 131 स्टोन क्रशर्स में से 68 के पास अनुमति नहीं पाई गई। मल्टी सेक्टर कमेटी ने राज्य सरकार को प्रस्तुत की गई अंतरिम रिपोर्ट प्रदेश में हाल ही में बरसात में आई प्राकृतिक आपदा के बाद गठित मल्टी सेक्टर कमेटी ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें आपदा के लिए जलवायु परिवर्तन के साथ साथ अवैज्ञानिक और अवैध खनन की को लेकर प्रमुख कारक इसे पाया गया। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि ब्यास नदी बेसिन पर 131 स्टोन क्रशर स्थापित है, जिनमें से 68 के पास इनके संचालन के लिए जरूरी अनुमति नहीं पाई गई और 50 संचालकों के पास जरूरी अनुमति थी। इसके अलावा 7 क्रशर बाढ़ से प्रभावित पाए गए, जबकि 6 में भंडारण से संबंधित और अन्य अनियमितताएं पाई गई है। इसके साथ साथ नदी में अत्यधिक मलबा फेंकने के कारण बाढ़ में गंभीर रूप से बहुत ज़्यादा दिक्कतें परेशानी आई, जिससे आसपास के सामुदायिक ढांचे और जान माल को भारी नुकसान पहुंचा। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि ब्यास नदी का पर्यावरणीय संतुलन भारी दबाव में है, जिसका वैज्ञानिक अध्ययन करने की आवश्यकता है और स्टोन क्रशर्स के संचालन के लिए लघु मध्यम और दीर्घ अवधि उपाय सुझाने पर भी बल दिया गया है। साथ ही यह भी कहा गया कि समिति ने जरूरी अनुमति प्राप्त 50 स्टोन क्रशर को कुछ शर्तों के साथ संचालित करने की परमिशन दी है, इसकी सिफारिश की है। दरअसल इसके तहत ये क्रशर सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही 12 घंटे के लिए काम कर पाएंगे। कमेटी ने सिफारिश ये भी की है कि किसी भी क्रशर पर DG सेट का प्रयोग अवैध माना जाएगा और भविष्य में सभी स्टोन क्रशर्स में CCTV लगाने की भी सिफारिश की गई, जिनकी निगरानी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और खनन विभाग के अधिकारी करें। स्टोन क्रशर के 500 मीटर के दायरे में अगर कोई भी गैर कानूनी खनन पाया गया तो स्थानीय अधिकारी लिखित में रिपोर्ट दें, नहीं तो उसी स्टोन क्रशर पर कार्रवाई की जाए।